दोस्तों आज के इस वीडियो हमारे पास एक वीडियो कॉन की टीवी है, अल्ट्रा स्लिम। ठीक है, अल्ट्रा स्लिम है, लेकिन ये मेरे हिसाब से इसमें मैंने एक बहुत पहले सर्किट डाली थी, ये नॉर्मल वाली। फिलहाल अच्छी क्वालिटी की सर्किट ओसवाल कंपनी की से शायद, क्या पता नहीं, खोलने के बाद मैं अधिकतर ओसवाल का यूज़ करता हूँ। क्वालिटी उसकी ज़बरदस्त है, कंप्लेन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टीवी चल रही है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ऑडियो आ रही है, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। दोस्तों यही प्रॉब्लम है, तो आइए इसको सही करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो रोज देख रहे हैं तो सपोर्ट करने में क्या जाता है। ठीक है, तो लाइक करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए टीवी, ये रही ये वाली, पावर लाइट जल रही है और इसमें कार्टून का चैनल लगा है। तो मैं रिमोट से ज़रा चेंज करता हूँ। ये रहा हमारा सेटअप बॉक्स। तो ये क्या दूर से नहीं काम कर रहा? अच्छा, रिमोट था। ठीक है, देख सकते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखना होगा, जो उनके लगाना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा। पावर निकाल दिया। अब बात करते हैं ये इसको सही कैसे करेंगे। तो आइए सही करने ही जा रहे हैं दोस्तों हम इसको। तो सही करने के लिए टीवी को ओपन तो करना ही होगा। तो टीवी स्टैंड पे रखते हैं कैमरे को, मोबाइल फ़ोन को। तो फिर आगे बात करते हैं टीवी को। टीवी को करेंगे हम ओपन, तो ओपन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये रहा हमारा, स्क्रू खोल रहे हैं हम, बस स्क्रू खोल के डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पे। तो फिर दोस्तों ये हमारी जो है कि टीवी ओपन हो चुकी है। ये क्या कहीं अटका है क्या? नहीं, ठीक है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इस जैक को निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं। तो एक तरफ रखते हैं इसको, जाओ यार तुम एक तरफ पीछे। ठीक है, तो ये रही सर्किट, देख सकते हैं आप। और इसमें दोस्तों फॉल्ट कहाँ से आई है मैं चेक करना आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चेक करना है आपको, क्या चेक करना है ये देखिए, आप चेक कर लीजिए सबसे पहले टीवी ऑन हो रही है या नहीं, कि ऑडियो सिर्फ वैसे ही आ रहा है। तो लगा लीजिए पावर को। पावर लगाने के बाद आवाज़ तो अब नहीं है क्योंकि लीड निकल चुका है। और 180 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे बेस में हमारे आ जाइएगा आप, और एक यहाँ पे लिखा होगा 180 या नीचे। ठीक है, ये देख सकते हैं। एक मिनट, कैमरा यार भाई लोग कमज़ोर है। ठीक है, ये रहा 180। 180 पर रखने के बाद देखिएगा यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं। तो ये सप्लाई दोस्तों यहाँ पे ये हमारी नहीं बन रही है, देख सकते हैं 0 to 0 दिखा रहा है, बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं है। तो वायर को एक बार फिर से लगा के देख लेते हैं। ये लगा लिया वायर को, 110 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ये 110 वोल्ट की जो है कि सप्लाई, यहाँ पे मैंने मीटर लगाया हुआ अंदर रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रही सप्लाई। एक मिनट, ये देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका ये रेजिस्टेंस ख़राब है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ख़राब होने के नाते मतलब रेजिस्टेंस ख़राब क्यों हुआ, उसका रीज़न दोस्तों ये है कि ये इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ये ख़राब हुआ होगा, ये वाला ये ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ होगा, जिसकी वजह से ये हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हुआ है। अगर बार बार ट्रांजिस्टर ख़राब होता है आपका, तो पीएफ चेंज कर दीजिए, उससे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको लगा के चेक करना पड़ेगा कि बार बार ख़राब कर रहा है, कैसे ख़राब कर रहा है। मतलब एक तो जाएगा ही जाएगा चेक करने के लिए, क्योंकि पीएफ चेक नहीं हो पाता, लीकेज होता है, जल्दी चेक नहीं हो पाता। तो फिलहाल उसके लिए कोई मीटर वगैरह बना हो तो अच्छी बात है। तो देखते हैं इस रेजिस्टेंस को, सबसे पहले हम इसमें लगा के देख लें और इसी समय हम अपना ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस रहा अपना, ये रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह बाहर।
ये कंटिन्यूटी रेंज पे रख के हम मीटर से रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हमारा बीप नहीं दे रहा है, ऐसे सटाने बीप आ रही है लेकिन इस तरह से बीप नहीं आ रही है, ठीक है। तो आइए अब हम अपना ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं ये आउटपुट का। ये ट्रांजिस्टर तो वैसे तो सही दिखाई दे रहा है, फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, लगा के देख ही लेते हैं रेजिस्टेंस लगाने में क्या जाता है। तो एक हम इसमें 1K का 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1K का नहीं, 1 ओम का, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये मेरे पास एक 4.7 ओम का रहा, काफ़ी ज़्यादा 3 वाट का है, तो इसको मैं लगा के देखता हूँ क्या कहता है, फिर उसके बाद 1 ओम का हम लगाएंगे खोज के, क्योंकि इस समय है नहीं। पहले चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा फॉल्ट यहीं से सही होता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पर कार्बन था, इसको कार्बन को हमने हटा लिया है, तो मैंने हटा लिया है, ठीक है, आप भी हटा लीजिए अगर आपके रेजिस्टेंस भी कार्बन हो तो। ये लग गया, ठीक है। तो अब सप्लाई को हम मीटर को रख देते हैं 200 वोल्ट की रेंज पे, ग्राउंड रखते हैं, अब चेक करेंगे सप्लाई को, ठीक है। ये रही हमारी सप्लाई इस तरफ, सीरीज में लगा रहे हैं अब की बार। तो अब दोस्तों ये हमारा सप्लाई से आवाज़ आने लगा, टुक टुक चुक चुक या टुक 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 की कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो मतलब इस रेजिस्टेंस पे अब लोड पड़ने लगा है, और डायरेक्ट लगाएंगे तो ये ख़राब भी हो जाएगा। तो अब इसमें हमको ये आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज करना है, क्योंकि ये दिखा नहीं रहा है शॉर्टिंग हमको, लेकिन ये है शॉर्ट। ये करीब 500-550 की रीडिंग देता है, लेकिन ये 100 की रीडिंग दे रहा है, 101 था कितना था याद नहीं है, लगभग इतना ही था। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, तो मैं चेंज कर लेता हूँ आपके सामने ही। और यहाँ पे आप 18.03 ना लगा के 18.02 लगाइएगा, क्योंकि ये अल्ट्रा स्लिम है, तो ये अल्ट्रा स्लिम पे लोड पड़ता है, ये काफ़ी लोडेड टीवी है दोस्तों अल्ट्रा स्लिम, सीरीज में भी नहीं चल पाती है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले जो होते हैं वो सीरीज में भी चल जाते हैं। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा ये निकल गया ट्रांजिस्टर हमारा, ये सी इनपुट लगा भी है 5296। तो इसको चेक करते हैं दोबारा से आखिर क्या कहता है, ये रीडिंग तो नहीं दे रहा है। अच्छा ये दोस्तों एक तरफ से शॉर्ट है, दूसरी तरफ से ये देख सकते हैं इस तरफ से शॉर्ट दिखा रहा है, हालांकि बीच से कोई कांटेक्ट इसका नहीं रहता है, लेकिन ये एक तरफ से शॉर्ट है। तो लगा के देखते हैं, ओए हो बॉक्स गिर गया दोस्तों आज, चलिए सब काम बढ़ गया। दूसरा वाला बॉक्स गिरा है दोस्तों। तो ये इनपुट में हम लगा रहे हैं 5149, इनपुट में 18.0 लगा सकते हैं आप। तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, पहले लगा लेता हूँ, लगाने के बाद हम चेक करते हैं। क्या कहता है ये हमारा, ठीक है, एक हमारा होल क्लियर नहीं है, तो इसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं लगाते समय है। चलिए हो गया, अब इसको टाइट कर लेते हैं स्क्रू से, काफ़ी अच्छी तरह से टाइट करना है। नट बोल्ट किधर गया, इधर रहा, एक मिनट इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों हम। फिर उसके बाद अगर आउटपुट ट्रांजिस्टर आपका ख़राब करता है, तो आपको सबसे पहले जो मेन PF लगे हुए हैं उनको चेंज कर देना है। ठीक है, टाइट कर लेते हैं नट बोल्ट से।
ये हो गया, तो यहाँ पीछे से हम सोल्डिंग कर लेंगे इसको। और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, तो इसको दोबारा से लगाते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये अब। ठीक है, ये सोल्डिंग हो गई। अब लगाते हैं पावर में इसको, ग्राउंड पे रखते हैं मीटर को अपने 200 वोल्ट की रेंज फिर से। और ये रहा हमारा, सीरीज में लगाते हैं। अब की बार दोस्तों ये पूरी की पूरी 110 वोल्ट सप्लाई आ चुकी है, ये देख लीजिए आप कहाँ आ गया यार, ये देख सकते हैं। ठीक है, 109 वोल्ट की सप्लाई, सीरीज हल्का हल्का जलने लगा इसलिए थोड़ा सा सप्लाई कम हुआ होगा। तो मैं चलता हूँ आपको लेके डिस्प्ले पे, तो देख लीजिए डिस्प्ले हमारा आया है या नहीं। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले हमारा आ चुका है। तो फिर दोस्तों हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है, इसी से है। अगर दोबारा से PF ख़राब करता है, मतलब ट्रांजिस्टर ख़राब करता है आपका, तो PF जो है, मेन PF है, इनको चेंज कर दीजिए, आपका फॉल्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए। अब TV बस पैक करना है, रेजिस्टेंस यहाँ 1 ओम का लगा के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।